डियर स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अहमद हियर। आज मैं आपको 21 टीम्स का नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के बारे में फिक्स्चर बताऊंगा। इसमें हम जानेंगे कि 21 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फिक्स्चर है वो किस तरह से बनाना है। इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें भी जो मेथड अपनाया गया है वही मेथड इसमें लगता है, सारे फॉर्मूले वही लगते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि हमारे पास 21 टीम्स हैं, यानी कि 21 टीम्स हैं। तो 21 टीम्स में सबसे पहले हमें अपर हाफ, लोअर हाफ दो चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहले हम अपर हाफ की बात करेंगे, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 21 प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 11। 11 टीम्स जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी अपर हाफ में। और लोअर हाफ की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, n माइनस 1 अपॉन 2, 21 माइनस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 10, यानी कि 10 टीम्स लोअर हाफ में और 11 टीम्स हमारी रहेंगी अपर हाफ में। बात करते हैं 22 की। तो पावर ऑफ 2 में हमारा जो हाई नंबर ऑफ पावर है वो आएगी 32, और 32 माइनस 21 यानी कि टीम को माइनस कर देंगे तो हमारी 22 कितनी आ गई, 11 22 आ गई। अब अपर हाफ में जो हमें 22 देनी है वो कितनी होंगी, एन बी यानी कि नंबर ऑफ 22 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया, 11 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि सॉरी मतलब 10 अपॉन 2 हो गया, ये 10 अपॉन 2 इजिकल टू 5, 5 बाईज आएंगी हमारी अपर हाफ में। और लोअर में आएंगी हमारी n प्लस एन बी प्लस 1 अपॉन 2 11 प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 6, 6 बाई आएंगी हमारी लोअर हाफ में। अब इसके बाद नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ राउंड होंगे हमारे 5 राउंड्स होंगे। और इसके बाद हमारे देखते हैं मैच कितने होंगे, मैच होंगे हमारे 21 माइनस 1 इजिकल टू 20 मैच होंगे, 20 मैच होंगे। और आओ इसके बाद देखते हैं अब किस तरह से मैच होंगे हमारे। हमने ये दो हाफ बनाए, 11 टीम का अपर हाफ में और लोअर हाफ में हमारी 10 टीम्स होगी और अपर हाफ में 11 टीम्स होगी। यहाँ भी हमने दो हाफ बना ली उसी रूल से, यानी कि 6 टीम्स अपर हाफ में होंगी, ये 1 2 3 4 5 6, और 5 यहाँ लोअर हाफ में होंगी। जो हम अगर 11 टीम्स का अपर हाफ और लोअर हाफ करेंगे तो इस तरीके से टीम्स आएंगी। और उसके बाद लोअर हाफ के भी दो हाफ कर लिए हमने, यानी कि 1 2 3 4 5 टीम यहाँ हो गई, 1 2 3 4 5 टीम यहाँ पर हो गई। 5 5 इसलिए हो गई क्योंकि ये इवन नंबर है, क्लियर। ऊपर का ओड नंबर है उस फॉर्मूले से, और नीचे का n अपॉन 2 के फॉर्मूले से हमने इसको कर लिया। इसके बाद फर्स्ट राउंड में मैच कराते हैं, सबसे पहले बाई देंगे। बाई का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बाई देंगे हम यहाँ पर। चलिए हमें मालूम है कि लोअर हाफ में हमें 6 बाई देनी थी, तो सबसे पहली बाई यहाँ कहाँ देंगे हम, यहाँ पर। दूसरी बाई कहाँ देंगे, यहाँ पर। तीसरी बाई यहाँ पर, फोर्थ बाई यहाँ पर, फिफ्थ बाई यहाँ पर, और सिक्स्थ बाई यहाँ पर। अब अपर हाफ की बात करते हैं, यहाँ पर 5 बाईज देनी है, तो वही फॉर्मूला है, सबसे पहले नीचे फिर सबसे ऊपर, फिर इसका जो लोअर हाफ की अपर टीम है वहाँ पर, फिर अपर हाफ की सबसे लोएस्ट टीम है वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर।
तो इस तरह से 5 बाई हमने ऊपर दी हैं और 6 बाई हमने नीचे दिए हैं। अब फर्स्ट राउंड में वो टीम खेलेंगी जिन्हें बाई नहीं दी गई है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये हमारी बी और एफ के बीच टूर्नामेंट हुआ, एक मैच हमारा एम एन के बीच हुआ, एक मैच हमारा आई और जे के बीच हुआ, एक मैच हमारा वाई और टी के बीच हुआ, एक एल और ओ के बीच हुआ, यानी कि फर्स्ट राउंड में इन टीमों के बीच मैच हुआ जिन्हें बाई नहीं मिला था। अब इनमें से जो टीम जीतेंगी वो बाई के साथ खेलेंगी। जैसे ए और बी का मैच हुआ, यहाँ पर बी जीत गई, यहाँ पर हमारा एन और सी के बीच मैच हुआ, यहाँ पर सी जीत गई, फिर हमारा यहाँ पर जो के है इसे बाई दिया हुआ, और यहाँ पर जे जो जीती थी इन दोनों के बीच मैच हुआ, यहाँ पर के जीत गई। इसके बाद हमारा जो बाई बाई की दोनों टीम्स हैं ये, इन दोनों के बीच मैच हुआ, यहाँ पर जेड टीम जीत गई हमारी, क्लियर। उसके बाद नीचे क्यू और एस के बीच मैच हुआ, यहाँ पर क्यू टीम जीत गई। उसके बाद वाई टीम जीती थी फर्स्ट राउंड में, तो उसका ई के साथ मैच हुआ, ई टीम यहाँ विनर हो गई। उसके बाद हमारा एल और ओ में हुआ था, तो यहाँ पर ओ विनर थी, ओ का जी के साथ मैच हुआ, यहाँ पर जी टीम जीत गई। उसके बाद एच और पी दोनों का मैच हुआ, यहाँ पर एच जीत गई। अब हम चलते हैं थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में यहाँ पर हमारी बी विनर थी, यहाँ पर हमारी सी विनर थी, दोनों का मैच हुआ, हमारी सी विनर हो गई यहाँ पर। इसके बाद के और हमारी जेड के बीच मैच हुआ, उसके बाद हमारी यहाँ पर के टीम विनर हो गई। फिर हमारा क्यू और ई के बीच मैच हुआ, क्यू विनर हो गई। जी और एच के बीच हुआ मैच, तो यहाँ पर एच विनर हो गई। अब आते हैं हम फोर्थ राउंड में। फोर्थ राउंड में कौन सी टीम जीती, सी और के, तो यहाँ पर दोनों का मैच हुआ, के विनर हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्यू और एच का मैच हुआ, यहाँ पर एच विनर हो गई। और अब फाइनल राउंड में के और एच का मैच हुआ, यहाँ पर हमारी के टीम विनर हो गई। तो ये था आपका 21 टीम्स का एलिमिनेशन टूर्नामेंट या नॉकआउट टूर्नामेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।